मशरक प्रखंड जदयू द्वारा कुशवाहा डोला गांव में रविवार को ग्राम संसद सद्भाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड जदयू अध्यक्ष रामाधार सिंह ने किया। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जदयू सारण विधानसभा प्रभारी जयप्रकाश महतो और जिला सचिव डॉक्टर कैलाश सिंह, कैलाश प्रसाद सिंह, अशोक रॉय, असनबी मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने बिहार सरकार के विकास एवं उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लगातार किसानों को लाभ अनुदान तथा शिक्षा में सुधार समेत हर एक विकास कार्यों को रफ्तार दे रहे हैं। विकास सरकार द्वारा, आपको बता दें, लगातार बिहार सरकार द्वारा दिए जा रहे योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिले, इसके लिए सजग रहना होगा। बैठक में मशरक नगर पंचायत क्षेत्र में जदयू नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर दिलीप कुशवाहा का चयन किया गया। वहीं नगर पंचायत में 11 सदस्यीय जदयू कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया गया। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष रामाधार सिंह ने बताया कि ग्राम संसद सद्भावना की बात कार्यक्रम के तहत मशरक के कुशवाहा टोला गाँव, गंगोली, मदारपुर, जजौली, खजूरी, अरना, दुर्गौली पंचायत में रविवार को बैठक आयोजित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए कार्यों को आम लोगों को बताया गया। जी हां, आपको बता दें चले, मशरक प्रखंड जदयू द्वारा कुशवाहा टोला गांव में रविवार को ग्राम संसद सद्भाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड जदयू अध्यक्ष रामाधार सिंह ने किया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।